मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। अमेरिका का सिलिकॉन वैली, जहाँ पर कंप्यूटर का हब है, कंप्यूटर के बारे में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की पढ़ाई होती है, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और दोनों की मार्केटिंग होती है। लेकिन यह विषय अलग है, क्योंकि वहाँ पर विजय राज बैज जी वहाँ पर बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सभ्यता संस्कृति भारतीय होने के कारण उनको भारत से बहुत अधिक लगाव है और वह जो कार्य किया जा रहा है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते, ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा इनके माध्यम से किया जा रहा है। आइए उस विषय में विजय राज बैज जी से बात करते हैं, उसके बाद इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। मेरा नाम विजय राजवैद्य है और मैं अमेरिका में रहता हूँ। पिछले 40 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ और मैं इस समय भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा पर हूँ। मैंने ये पद यात्रा प्रारंभ की 2022 पिछले साल 5 मई को महाकालेश्वर मंदिर से उज्जैन में, और उसके बाद मैं वहाँ से ओंकारेश्वर गया जो 150 किलोमीटर दूर है दक्षिण दिशा में नर्मदा के किनारे, और वहाँ से फिर पश्चिम की ओर सोमनाथ गया मैं 800 किलोमीटर दूर पैदल चल के सारा, और फिर सोमनाथ से नागेश्वर गया मैं जो द्वारकाधीश के बिल्कुल पास में है, और वो समाप्त करके मैं अब भी आया हूँ। 1 तारीख को ही मैं वहाँ पहुँचा था। अगले चरण में नागेश्वर से निकल के अब मैं केदारनाथ जाऊंगा जो कि 1650 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और इस तरह से पूरे 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा उसी तरह की जाएगी जिस तरह से श्री आदि शंकराचार्य जी ने सन 722 में की थी। और इतना ही नहीं, उनके जो उद्देश्य थे वही उद्देश्य को फिर से लागू किया जा रहा है, उसी उद्देश्य से यात्रा की जा रही है। आज के समय अनुसार उन उद्देश्यों को अगर देखें तो वही भारत का फिर से एकजुट करना और भारत के समाज का एकजुट करना और लोगों को ज्ञान देना, यही इसके प्रारंभिक उद्देश्य है। सर, बोलने में करने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन आप एक जॉब भी कर रहे हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से, फिर उससे समय निकालना और पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, तो सर ये कैसे करके मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ऐसा ही है। कठिन तो सब है, परंतु एक चीज़ तो फिक्स्ड है कि भगवान ने 24 घंटे ही बनाए हैं दिन में। जो कुछ भी करना है उन्हीं 24 घंटे में करना है आपको। कोई चीज़ आगे कर लीजिए तो कोई चीज़ पीछे कर लीजिए, 25वां नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से होता है कि हम बीच में थोड़ा समय निकाल के यहाँ आते हैं, 15 दिन चलते हैं। इस बार 15 दिन में 507 किलोमीटर चला हूँ मैं प्रत्येक दिन, और अब चले जाएंगे वापस। जिस स्थान पे यात्रा समाप्त की थी बिल्कुल उसी स्थान से अगली बार आएंगे 3 महीने बाद, फिर से 15 दिन चलेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो सर, इसको करने के लिए सर आपको शक्ति कहाँ से मिलती है? शक्ति, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। शक्ति वहीं से मिलती है जिसकी यात्रा कर रहा हूँ मैं। ये बात अगर कोई बैठे बैठे घर में बोलेगा तो आप इसको समझने में, विश्वास करने में बहुत कठिनाई होगी, मुझे भी होगी। अगर मुझसे कोई कहता कि मुझे तो प्रेरणा और शक्ति मिल रही है भगवान से, बहुत कठिनाई होगी ये सुनने में, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कोई जादू तो नहीं हो रहा है कहीं पर, राइट? लेकिन ऐसा होता है, वो मैंने अनुभव किया, इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप होता है। मैं 12 से 14 घंटे चलता हूँ, 35 से 45 किलोमीटर तक चलता हूँ मैं, और हर तरह की असुविधा और हर तरह की समझ लीजिए खतरे से निकलता हुआ चलता हूँ। जंगल से गुजरा हूँ मैं, अभी मैं गिर के जंगल से निकला, शेर के जंगल से। वहाँ पे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो मुझे परमिशन भी नहीं दे रहा था वहाँ से जाने के लिए, बोले मेरे को तो अंधेरे में चालू करना पड़ता है। 12 घंटे आप चलेंगे तो आपको अपनी दिनचर्या का भी कुछ करना है, तो रात के 2 बजे चालू करता हूँ, दिन के 2-3 बजे तक चलता हूँ। बोले नहीं जी, रात में यहाँ शेर घूमते हैं इस जगह पर, आप नहीं कर सकते, आपको 8:30 बजे सवेरे करना। 8:30 बजे सवेरे कैसे करूँ मैं, रात के 8:30 बजे जाएंगे, 12 घंटे चलूँगा तो या तो फिर अपने काम कम करूँ, वो मैं करना चाहता नहीं था, कम चलूँ।
छः बजे से चालू किया, थोड़ा अंधेरा था, खतरा कम था, शेर थे भी तो जा रहे थे अपने घर वापस, तो इसलिए वो इसलिए मेरे को अब कोई खतरा वो आया नहीं, परंतु संभावना थी। पर भगवान की दया थी, वो हुआ, संभव हुआ। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत है, जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे दूसरा कदम का कोई मायना ही नहीं है। तो पहला कदम तो आप उठा ही लीजिए, उसके बाद में शक्ति भी आती है और सारे परेशानियां कठिनाइयां दूर भी हो जाती हैं अपने आप। शंकर भगवान जी ने आपको अमेरिका से, सिलिकन वैली से लाकर इंडिया में आपको बोले कि आओ हमारे साथ, देखो दुनिया और पूरे भक्त को ही बताओ। सर बहुत अमेजिंग लगता है 12 घंटा चलना, सेफ जोन में चलना, आप दूसरा कंट्री से आए हैं, भले हमारी जन्म आपकी हुआ, लेकिन सर बहुत प्रॉब्लम होता है, और क्या क्या परेशानी हुई थी सर? तो ऐसा है कि आपने बात तो सही कही है कि हाँ होती है परेशानी, पर एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, फर्स्ट सबसे पहली बात तो जो उतनी जो कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, वो क्षमता के लिए मैंने कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने तो वही काम किया जो मैं अभी आपको बोला ना कि पहला कदम उठाया तो दूसरा अपने आप उठाओ, और उसी हिसाब से चेंज होता रहा। जैसे मैंने मई के महीने में चालू की थी यात्रा महाकालेश्वर, मई के महीने में 47 डिग्री टेम्परेचर था, मुझे सारे दोस्तों ने, सारे मित्रों ने, परिवार ने कहा कि बहुत ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, संभव भी नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जी ऐसा हुआ कि रास्ता निकला ही निकला, सवेरा दिन में नहीं चल सकता गर्मी के कारण, तो रात में चलता था। हाँ जी, रात में थोड़ा खतरा था, इंदौर के आगे थोड़े जंगल उंगल भी आते हैं नीचे, वो जानवर भी होते हैं, पर ऐसे हुए भी, ऐसे खतरे आए, पर हाँ अभी तक तो सब उसके रास्ते निकलते गए। सबसे बड़ा जो असुविधा होती है वो सिर्फ ऋतु से होती है, उसके लिए समाधान आपको करना पड़ता है और सहन करना पड़ता है। नहीं सहन नहीं किया तो तपस्या क्या है फिर, ये बताइए आप, तपस्या तपस्या है। पर आपने एक और चीज़ पूछी इसके साथ में, आपने कहा कि अध्यात्म के अलावा और क्या है। जी हाँ, अध्यात्म के अलावा, अध्यात्म तो मेरा पर्सनल वो है, मेरा स्वयं का उद्देश्य है, लेकिन इसके अलावा दूसरा उद्देश्य वही है जो आदि शंकराचार्य का उद्देश्य था। उन्होंने भारत को एकजुट किया था, उस समय भारत में बहुत रुतियाँ रिवाज ऐसे चल गए थे, लोग छिन्न भिन्न हो रहे थे, अपने दार्शनिक रूप में भी अलग अलग विचारधाराएं बन गई थी वेद से, उन सबको एक किया था उन्होंने। अभी भी हमारा प्रयत्न यही है, पर आज के आधुनिक समय में दूसरे प्रकार से होगा, विधि अलग होगी। हम चाहते हैं कि हमारी इस तपस्या से प्रभावित होकर पूंजीपति लोग थोड़ा ध्यान दान दें, जिससे कि हम विश्व की अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन पीठ प्रारंभ कर सकें, जिससे कि छात्र वहाँ जाके पढ़ें और समझें कि भारत की संस्कृति इतनी गहरी है और इतनी उन्नत है, वो लोग अभी नहीं जानते हैं। सर आपकी जो पूर्वज हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। खासकर मेरे जो पूर्वज हैं वो निमाड़ रीजन के रहने वाले हैं, वो जगह का नाम है खंडवा। खंडवा आप सब लोग जानते हैं, किशोर कुमार को जानते हैं, है ना। तो किशोर कुमार मेरे फादर के क्लासमेट भी थे बाय द वे, कॉलेज में इंदौर में पढ़ते थे तब। तो खंडवा का रहने वाला हूँ और ओंकारेश्वर उसी रीजन में आता है निमाड़ में, तो हम लोग भी वहाँ के पुजारी हैं एक प्रकार से, पुराने ज़माने से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग 11वीं सदी में कहीं और से आए, सोमनाथ से जब वहाँ पे संकट आया था तो निकल के आए थे यहाँ पे। तो समझ लीजिए संस्कारों से, और उससे भी है जो भक्ति है और वो सब तो संस्कारों से भी है, परंतु उसके साथ साथ उद्देश्य ये है अब कि हम अपनी संस्कृति को किस तरह से लोगों को समझा सकें शांतिपूर्वक, बिना किसी झगड़े फसाद के या हिंसा के, या किसी तरीके से अच्छे तरीके से समझा सके किसी को। ये हमारा प्राथमिक वो है। और दूसरा है कि हम नीचे से भी उस शिक्षा को बढ़ा सकें, मतलब साक्षरता पे हम करते हैं। हम रोटरी के सदस्य हैं, रोटरी का यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है भारतवर्ष में, 100% साक्षरता 227 तक, उसकी हम सहायता करते हैं। चलिए, तो इतने बड़े अभियान में कौन कौन आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी अपनी फंड की और भी कोई सहयोग कर रहे हैं? अभी तो सब कुछ मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है ये। अब धीरे धीरे मैं सहयोग मिलना चालू हुआ है, क्योंकि पहले जब मैं चला था तो मैं अकेला था, अभी तक भी अकेला ही हूँ, पर अब पहली बार भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जनरल मेरे साथ आए,
उन्होंने जब इस बात को सुना बहुत प्रभावित हुए, वो आए और चले मेरे साथ बराबर। इस तरह से लोग अब आ रहे हैं, अब संस्था का निर्माण हो रहा है और ये जो एक एक जो तपस्या थी वो एक अभियान में भी बदल रही है, तो एक अभियान प्रारंभ हो रहा है। शंकर भगवान भोलेनाथ जिनको कहा जाता है कि त्रिकालदर्शी, वर्तमान भूत और भविष्य, वही भगवान है जो देख सकते हैं। शंकर भगवान वही भगवान है कि इनके लिए कोई विधि नहीं, आप खाली मन में शंकर का नाम लीजिए, शंकर भगवान जी आ जाते हैं। और ऐसा कम भगवान है जिनको कम तपस्या में बहुत अधिक खुश किया जा सकता है, लेकिन विजयराज वैद्य जी ने ऐसा तपस्या कर रहे हैं, ऐसा तपस्या कर रहे हैं कि जिसकी कल्पना हमारे मानव जीवन नहीं समझा सकता है। इतिहास में ज़रूर इनका नाम लिखा जाएगा, जिस प्रकार भागीरथी का नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उनके द्वारा गंगा का धरती में आगमन हुआ था। और यह उद्देश्य शंकराचार्य की विचार को एकजुट करना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे भारत देश की संस्कृति, सभ्यता और अध्यात्म, और अध्यात्म का केंद्र बिंदु शंकर भगवान जी के बारे में नॉलेज देना, शंकर भगवान जी क्यों पूजा किया जाता है, क्या है इसके बारे में और जानकारी देना। शंकर भगवान के लिए जितना भी कहा जाए कम है, बस उनके लिए यही कहा जा सकता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, यही हमारे शंकर है। और शंकर को आप ज़रूर पूजा कीजिए, और कम से कम विजयराज वैद्य जी अभी तक 40% कवर कर चुके हैं, 60% बाकी है। अगर आप कभी रास्ता में कहीं पर भी विजयराज जी का अगर आपको दिखे सहयोग हो तो सहयोग तो देंगे ही, और उनका दर्शन जरूर कीजिए क्योंकि वह शंकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।